आप सब। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्यूटीफुल बो। जी हाँ, आपने सही सुना है, आज हम सीखने वाले हैं ब्यूटीफुल बो। ब्यूटीफुल बो को किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो आज मैं आपको वीडियो में सिखाने वाला हूँ। किस तरह से बनाया जाता है ब्यूटीफुल बो वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। इस हेयर स्टाइल के अंदर सबसे मेन चीज होगी हमारा फ्रंट वेरिएशन पफ, और बैक में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल बो। ब्यूटीफुल बो देखेंगे हम कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है। जो आज हम हेयर स्टाइल सीखने वाले हैं वो आज हम रियल हेयर पे बनाएंगे। रियल हेयर पे आपको हम सिखाएंगे। तो रियल हेयर पे किस तरह से बाल कंट्रोल करना चाहिए वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आज वीडियो के अंदर। तो बहुत सी दफा ऐसे होता है कि अगर हमारी क्लाइंट के बाल क्रिम्पिंग करने के बाद में भी सॉफ्ट नजर आते हैं तो हम क्रिम्पिंग के बाद में हेयर स्प्रे कर सकते हैं। हेयर स्प्रे करने से क्या होगा कि हमारे बाल हमारे हाथ में कंट्रोल आ जाएंगे। क्लाइंट के जो बाल होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप होल्डिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो, हेयर स्प्रे यूज कर सकते हो। पूरे बाल में आपको हेयर स्प्रे कर देना है और फिर उसको पेडल ब्रश से कॉम करके उसको नीट कर लेना है। तो वह हमारा बाल जो है वो सॉफ्ट है, तो उसके बाद में वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कभी कभी कैसा होता है कि क्रिम्पिंग करने के बाद में बाल कंट्रोल नहीं होता है, सॉफ्ट बाल होते हैं रियल हेयर के। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले क्रिम्पिंग कर लेंगे। क्रिम्पिंग करने के बाद में सीरम लगाना है। सीरम तो लगाना है, सीरम हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि शाइनिंग आती है, इसलिए हम सीरम लगाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रियल हेयर पे। मिडल हेयर पे हमें पफ बनाना है। पफ के ऊपर लाइन क्रिएट करनी है। सेंटर में हमारा बेस आने वाला है। सबसे पहले हम एयर टू एयर सेक्शन निकालेंगे। सेक्शनिंग हमारी एयर टू एयर होगा। हम दोनों सेक्शन को सेक्शन क्लिप से होल्ड करेंगे। हमें नेक पे कुछ बाल छोड़ने हैं और हमें लो पोनी क्रिएट करनी है। एक रबड़ में दो बॉबिन लेकर हमें पोनी को लॉक करना है। अब हम पोनी में से एक सेक्शन लेकर बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद हेयर स्प्रे करेंगे। देन अब हम दूसरा सेक्शन लेंगे, उसकी भी हम बैक कॉमिंग करेंगे और हेयर स्प्रे यूज करना है। अब हम थर्ड सेक्शन लेंगे, उसकी भी हम बैक कॉमिंग करेंगे और हेयर स्प्रे यूज करेंगे। अब हम फोर्थ सेक्शन लेंगे, उसकी भी हम बैक कॉमिंग करेंगे और हेयर स्प्रे यूज करेंगे। ये हमारा जीरो साइज का नेट है। इस नेट को हम यू पिन से पोनी के जस्ट बाजू में लॉक करेंगे। बेस को कवर करने के लिए हम नेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम बेस को सेट करेंगे जहां पे हमें सेट करना है, और बेस को लॉक करने के लिए हम यू पिन यूज करेंगे। बेस लॉक होने के बाद में हमें लाइटली हेयर स्प्रे यूज करना है। आफ्टर मेकिंग बेस वी विल टेक स्मॉल पार्ट फ्रॉम क्राउन सेक्शन हेयर। वी विल बैक कमिंग ऑन रूट्स एंड अप्लाई हेयर स्प्रे। आफ्टर दिस वी विल टेक स्मॉल पार्ट both side sections and again back combing on roots. While back combing, each and every time have to apply hair spray. इसी तरह से हम crown से एक और section लेंगे, उसमें भी हम back combing करेंगे। back combing होने के बाद hair spray करना है। इसी तरह से हम right वाले section को लेकर back combing करेंगे। back combing करने के बाद hair spray apply करना है। लेफ्ट साइड में भी हम इसी तरह से बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग के बाद हेयर स्प्रे यूज करना है। अब हमारा ये लास्ट वाला सेक्शन है, इसको भी हम बैक कॉमिंग करेंगे, हेयर स्प्रे यूज करना है। देन अब हम लेफ्ट साइड के भी बाल को बैक कॉमिंग करेंगे और हेयर स्प्रे यूज करना है। फिर उसके बाद हम राइट वाले सेक्शन को बैक कॉमिंग करेंगे, हेयर स्प्रे यूज करना है।
कान के ऊपर हमें थोड़े से बाल छोड़ने हैं, सेक्शन क्लिप लगा देना। अब हम लेफ्ट वाले साइड के बाल के भी बैक कॉमिंग करेंगे और हेयर स्प्रे यूज करना है और बैक में लेना है। लेफ्ट साइड में भी हम कान के ऊपर थोड़े से बाल छोड़ेंगे। अब हम सभी बालों को टेलकॉम से नीट करेंगे। नीट होने के बाद बेस के ऊपर यू पिन से होल्ड करेंगे। अब हम पफ के ऊपर लाइन क्रिएट करेंगे। हेयर स्प्रे हमें बाद में अप्लाई करना है। जो सेक्शन हमने होल्ड किया है, होल्ड करने के बाद में जब हम लाइन क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लाइन क्रिएट होता है। अगर आप हेयर स्प्रे कर लाइन क्रिएट करोगे तो वो लाइन नहीं क्रिएट होगा जो हमें चाहिए। यहाँ पे हमें हेयर स्प्रे यूज़ करना है। यहाँ पे हमें हर लाइन में हेयर स्प्रे करना है और अपनी दो फिंगर से अच्छे से नीट करना है लाइन को। लाइन को होल्डिंग करने के लिए हमें यूज़ करना है यू पिन। ये हमारा बेसिक पफ है। अगर हम कोई भी पफ के ऊपर लाइन क्रिएट करते हैं तो वो पफ हमारा एडवांस में कन्वर्ट हो जाता है। आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमें YouTube पे भी फॉलो कर सकते हो। YouTube पे हमारा नाम है सलीम हेयर स्टाइलिस्ट। लाइनिंग क्रिएट होने के बाद में हमें सब लाइंस पे हेयर स्प्रे यूज़ करना है। अब हम शॉर्ट हेयर में फ्रंट वेरिएशन बनाएंगे। अब हम सबसे पहले फ्रंट वेरिएशन में से एक सेक्शन निकालेंगे स्ट्रेट। अब हम वही सेक्शन को लेफ्ट वाले फिंगर की दो फिंगर से हमें होल्ड करना है और राइट वाली फिंगर से हमें थोड़ा सा अप करना है, हेयर स्प्रे यूज़ करना है। आपके पास अगर सेक्शन क्लिप नहीं है तो हम यू पिन से होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। अब हम सेक्शन को थोड़ा थोड़ा डाउन करेंगे क्योंकि सेक्शन हमारा बहुत शॉर्ट है और हेयर स्प्रे करते जाएंगे और बैक में सेक्शन को लेते हुए जाना है। इसके बाद हम टेल्स को यू पिन से होल्ड कर देंगे। अब हम लेंगे सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन को भी हम लेफ्ट वाली फिंगर से होल्ड करना है और राइट वाली दो फिंगर से लाइटली अप करना है। यहाँ पे भी हम यू पिन यूज़ करेंगे होल्डिंग के लिए और हेयर स्प्रे यूज़ करना है। आपके पास सेक्शन क्लिप नहीं है तो हेयर स्प्रे कर दो सेकेंड छोड़ेंगे, उसके बाद हम यू पिन से होल्ड करेंगे। इस सेक्शन को भी हम धीरे धीरे डाउन करेंगे, लेफ्ट वाले हैंड्स को बैक में लेंगे और हेयर स्प्रे यूज़ करना है और टेल्स को यू पिन से होल्ड करना है। अब हम थर्ड सेक्शन लेंगे। थर्ड सेक्शन को भी हम लेफ्ट वाली दो फिंगर से होल्ड करना है और राइट वाली दो फिंगर से अप करना है और यहाँ पे हम सेक्शन क्लिप लगाएंगे और हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे और यू पिन से अटैच करना है सेक्शन क्लिप के ऊपर और धीरे धीरे डाउन करना है। यहाँ पे हम हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। हेयर स्प्रे यूज़ इसलिए करते हैं कि जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं वो सेट हो जाते हैं। फ्रंट वेरिएशन होने के बाद हम अच्छे से हेयर स्प्रे अप्लाई कर देंगे ताकि वो अच्छे से होल्ड हो जाए। ये देखिए हमारा फ्रंट वेरिएशन रेडी है। ये बहुत शॉर्ट हेयर है, आप शॉर्ट हेयर में भी फ्रंट वेरिएशन ये वाला दे सकते हो। बैक में हम सेक्शन को लॉक करेंगे। लॉक करने से पहले हम यू पिन को वन साइड से टर्न करके लॉक करना है। बहुत ही अच्छा फाइन लॉक हो जाता है। लॉक किए हुए बालों को हम एक सेक्शन लेंगे। एक सेक्शन लेने के बाद हम यू पिन से होल्ड करेंगे, फिर उसी सेक्शन को हम ऊपर लेके बॉब पिन से लॉक करना है। उसके बाद जो हमने बाल छोड़े थे बेस के नीचे, वहाँ से एक छोटा सा सेक्शन लेना है और बेस के ऊपर बॉब पिन से लॉक करना है। अब हम वही सेक्शन को नीचे की तरफ टर्न करके बॉब पिन से लॉक करना है। अब हम एक और सेक्शन लेंगे, फर्स्ट सेक्शन के जस्ट पास में बॉब पिन से लॉक करना है। उसके बाद हम नीचे वाले सेक्शन भी लेना है और यहाँ पे भी हमें बॉब पिन से लॉक करना है। अब हम इसी सेक्शन को डाउन करके बॉब पिन से लॉक करना है।
फर्स्ट सेक्शन लेंगे, सेक्शन क्लिप लगाएंगे, टेलकॉम करना है, टेलकॉम से नीट करना है और हेयर स्प्रे करना है। ये सेक्शन को हमें नीट करना है और हेयर स्प्रे करना है, फिर नीट करना है। अब हम सेक्शन को टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद यू पिन से होल्ड करना है। होल्ड रखने के लिए बाम्बू स्टिक्स यूज़ करेंगे। देन अब हम नीचे वाले सेक्शन को भी सेक्शन क्लिप लगाएंगे, हेयर स्प्रे करना है और नीट करना है। इस सेक्शन को भी हम दूसरे सेक्शन की अपोजिट में टर्न करके यू पिन से होल्ड करना है। यहाँ पे भी हम बाम्बू स्टिक्स यूज़ करेंगे। बचे हुए सेक्शन को हम बॉब पिन से लॉक कर देंगे। अब हम सेकेंड सेक्शन लेंगे, सेकेंड सेक्शन में भी हम सेक्शन क्लिप लगाएंगे, टेलकॉम करना है, टेलकॉम करने के बाद हेयर स्प्रे करना है, हेयर स्प्रे करने के बाद नीट करना है। अब हम इस सेक्शन को भी टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद यू पिन से होल्ड करेंगे। बाम्बू स्टिक्स यूज करना है। थर्ड सेक्शन को भी हम इसी तरह से फॉलो करेंगे, अपोजिट साइड में टर्न करना है और यू पिन से होल्ड करना है। यहाँ पे भी हम बाम्बू स्टिक्स यूज करेंगे। देन अब हम लेंगे थर्ड वाला सेक्शन जो मेन लास्ट है हमारा, उसको भी हम बॉब पिन से लॉक कर देंगे, सेक्शन क्लिप लगाएंगे, हेयर स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद नीट करेंगे फिंगर से। टर्न करना है, टर्न करने के बाद यू पिन से होल्ड करना है, हेयर स्प्रे यूज़ करना है। होल्ड रखने के लिए हम बाम्बू स्टिक्स यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बाम्बू स्टिक्स नहीं है तो आप यू पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन को भी हम सेक्शन क्लिप लगाएंगे, हेयर स्प्रे करना है और दो फिंगर से नीट करना है। सेक्शन के अपोजिट साइड में टर्न करना है और यू पिन से होल्ड करना है। यहाँ पे भी हम बाम्बू स्टिक्स यूज़ करेंगे। अगर किसी वजह से अगर आपके पास बाम्बू स्टिक्स नहीं है तो आप यू पिन को स्ट्रेट करके उसको यूज़ कर सकते हो। अब हमें साइड वाला सेक्शन लेना है जो हमने कान के ऊपर छोड़ा था। अब हम सेक्शन को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद में हमें लाइन क्रिएट करना है। लाइन को हमें यू पिन से होल्ड करना है। यहाँ पे हम हर लाइन में यू पिन यूज करेंगे होल्डिंग के लिए। लाइन्स हमारी इक्वल होनी चाहिए। हेयर स्प्रे यूज करना है, बाम्बू स्टिक से होल्ड करना है। अब हम राइट वाला सेक्शन लेंगे। राइट वाला सेक्शन को लेकर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद में लाइन क्रिएट करना है, लाइन को यू पिन से होल्ड करना है। यहां पे हमें हेयर स्प्रे यूज करना है, बाम्बू स्टिक्स को यूज करना है होल्डिंग के लिए। अगर आपके पास बाम्बू स्टिक्स नहीं है तो आप यू पिन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम हेयर स्प्रे यूज करेंगे। उसके बाद हम बचे हुए टेल्स को यू पिन से लॉक कर देंगे। बाम्बू स्टिक्स यूज करना है। हेयर स्टाइल कंप्लीट होने के बाद में पूरे हेयर स्टाइल में हमें हेयर स्प्रे यूज करना है। हियर इज द फाइनल हेयर स्टाइल कंप्लीटेड।